बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम असल एवन टी के साथ मैं हूँ अधमताज़ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस बरसात और सैलाबी रेलेंद निका पानी ही पानी सिंध में भी इंसानी अलमिया शहर के शहर ज़रियाब गाँव के गाँव डूब गए सेंकड़ों बस्तियों के नामों निशान मिट गए सूबे में अमवात तीन सौ इकतालीस हो चुकी दो लाख सतासी हज़ार घर मुकम्मल तबा साढ़े चार लाख घरों को जज्वी नुकसान पहुँचा खैबर पा में दरियाए काबुल से आने वाला सैलाबी रिला हिफाजी पुश्ता ले गया पानी नुशहरा और चरसदा में दाखिल चौटीबुल का इलाका की नकल मकानी दरियाए पंचगोड़ा में भी सैलाब रनक हो गया कलाम में फन से पंद्रह सौ सयाहों को निकालने के लिए हैली ऑपरेशन का फैसला वादी सवात में बिफरे हुए दरियाए सवात और दरियाए कुन्हार ने तबाही मचा दी कलाम बैरैन मदीन में सैकड़ों होटल और फुल बह गए खिजर में लैंड स्लाइडिंग से एक ही खानदान के पांच अफरा हलाक रास्तों की बंदिश से अयुबोर्ज भी बंद कर दिया गया पानी पुलिस लाइन में दाखिल हो गया बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही पांच डैम टूट गए जियारा संजावी दक्की हंडाई में सैकड़ों अफराद फंस गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में सरकारी मेडिकल कैंप लगाया गया बरसात मुतासरीन के लिए इस कैंप में हज़ारों अफराद का फ्री चेकअप और फ्री में मेडिसिन दी गई इस मौके पर लोगों का कहना था कि पीपल्स यूथ आर्गनाइजेशन ज़िला गोटकी के सदर अजहर हुसैन चन्ना सिटी सदर इरफान हुसैन सियाल सोशल वर्कर अफजल हुसैन चन्ना की कोशिशों से चन्ना मोहल्ला मीरपुर महलों में फ्री मेडिकल कैंप का अहमाम किया गया जहाँ पे सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप और अदवियात दी गई चंदीगौड़ सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलम गजनफर अब्बास चीना का दौरा सूबाई वजीर ने सोशल वेलफेयर ऑफिस में ब्रीफिंग ली सूबाई वजीर ने दारान की नई तामीर होने वाली इमारत का संग बुनियाद रखा मुस्क अफराद की खिदमत करना हमारे डिपार्टमेंट की अवलिन तरजीह है आने वाले दिनों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी लाएंगे सूबाई वजीर ने सनत ज़ार का भी दौरा किया सनत जार में बच्चियों के काम को सराह और हौसला अफजाई की मियावाली से आपको बताएं कि मियावाली जनाह बैराज कला बाग के मकाम पर दरिया सिंध में सात लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है जो कि गुजशत रोज़ महकमा एम डी एम ए की जानब से अलर्ट जारी किया गया था कच्ची आबादियाँ और दरिया के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम में मुंतकिल होने का कहा गया था जो कि इस वक्त आप हमारी ए वन टी वी की स्क्रीन पर मुलायजा कर सकते हैं जो कि पानी का भाव काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है जो कि हमारे नुमाइंदा जुबैर आरइ के मुताबिक पानी का सैलाबी रैला दरियाए सिंध में दाखिल हो चुका है कैरोड शहर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी गरीब लोगों के कच्चे मकान गिर गए जिससे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है सड़कें नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगें कई रास्ते ज़रियाब आ गए बस्ती कैरोड और दीगर इलाकों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए मुसलसल बारिशों से लोग भी मददगार हैं और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रही हैं इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है मुश्किल की इस घड़ी में ना कोई सियासी लीडर आए और ना ही डी सी ने जहमत की एल इलाक का आला हकाम से मुतालबा है कि हमारे नुकसान का अज़ा किया जाए और हमारी फिल्फ और मदद की जाए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एक सौ पचासी नोयल लवार टीचर्स गैर हाजिर मकामी टीचर्स पसंद नापसंद की बुनियाद पर तलबा से ना पर उतर आई बच्चियों के वाले बच्ची से लड़ाई का इंतकाम लेने पहुंच गए गरीब वाले की इंसाफ की गरीब वाले के लिए वबालि जान बन गई टीचर्स की मौजूदगी में तीसरी क्लास की तलबा लारिब को तशद का निशाना बनाया गया वजीर अला पंजाब चौधरी परवेज लाई नोटिस लें मेरी क्लास में लड़की पढ़ दी है मेरी लड़ाई होगी मिस ने माली न्यान करो माली ने फोन किया माली ने बुलाया अम्मी ने आ कलास में मारे है मेरे वाले ਤਨ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਿਸ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਮਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਮੇਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾ ਵੀ ਨਿਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਨੂੰ ਕਲਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 185 फाजलपुर में शोब खिदमत खाल की तरफ से रुझान के इलाके में सैलाब से मुतासरीन के लिए बेघर बेबास बेरोारों मददगार लोगों की इमदाद के लिए राजनपुर से काफले की सूरत में पहुंचे जिसमें जिला राजनपुर के माँ सफ़ी अमन मौलाना महमूद कासमी साहेब मौलाना पी रमतरमान दरखास्ती साहब हाफिज़ मोहम्मद अहमद सानी मौलाना मोहम्मद अबूबकर साहिब मौलाना मोहम्मद जवाद साहिब सफीर अमन मौलाना अब्दुलसमद दरखास्ती खानपुर से मौलाना मोहम्मद उस्मान अनीस दरखास्ती, कारी माविया दरखास्ती साहब भी शामिल थे इस शोबा खिदमत पार की गए इकदाम का शुक्रिया अदा किया बारिश के सैलाबी बहाव में तेज़ी आने लगी काजी अहमद शहर के कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर जरियाब आ गए इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं मुतलका हस्पताल भी जरियाब आ गए हस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज़ वापस होने लगे मुकम्मल शहर डूबने का ख़तरा बढ़ गया है शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाए जा रहे हैं शहरी खूफजदा हो गए इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है शहर में ज़्यादातर लोग डूब गए हैं इंतजामिया की जानवर से शहरीों को रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए सक्कर के इलाके अहमद नगर इस्लाम कॉलोनी के रिशी शौकी सक्कर इंतजामिया से अपील है कि हमारे घरों से बरसात और गटरों का गंदा पानी निकाला जाए ताकि हम अपने घरों में जा के रिहाइ कर सकें मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद एवन टी वी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सक्कर आसिफ से मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लाम कॉलोनी के अंदर यहाँ पे जो लोगों को तकलीफ़ पेश हुई है और ये तकलीफ़दा जो ज़िंदगी है इनकी यह आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये यहाँ एक घर नहीं है ऐसे कई घर हैं जो मसमार हो चुके हैं यहाँ पर ये यह लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत सब काम कर रहे हैं और सारे मामलात हैं ये आप देख रहे हैं कि एक कमरे में बारह चौदह अफराद रह रहे हैं जो आठ बाई दस का कमरा मेरे सामने मौजूद है ये उनकी दीवारें हैं ये वॉशरूम वगैरह उनके गिर चुके हैं यहाँ पे हमारे कुछ सीनियर एक दोस्त हैं जमालुद्दीन भाई तो पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़े जियाले भी हैं वर्कर भी हैं आए उनसे थोड़ा सा हम जानते हैं असल वाईक सलाम बताइएगा कि इस तकलीफ़ में आप जो ज़िंदगी आपके लोग गुजार रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा मौक़ दीजिए सर मेरे हिसाब से आपकी बड़ी मेहरबानी दोस्त आप आए हो तो कयामत जैसी ज़िंदगी गुजर रही है इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं हैं न्यू पिंड के दोस्त इलाके के वासियों की और हमारे इस इस्लाम कॉलोनी के दोस्तों की क़यामत जैसी ज़िंदगी गुजरही है हंड्रेड परसेंट इधर वोट भी पीपल्स पार्टी का है और 100 परसेंट ये न्यू पिंड तबाह हो चुका है मैं बार बार कहता आया हूँ आज से नहीं सालों से कहता आया हूँ कि सही नई पिंड पर फोकस करो अभी आपको मैं कसम उठा के बोलता हूँ अभी पीने का पानी पंद्रह दिन से वाटर सप्लाई नहीं चला है अबा क्यों नहीं चला है सही कभी को बोल रहे हैं डीजल नहीं है कभी बोल रहे हैं सही है, मोटर ख़राब है ये पीने का पानी दरिया डूब रहा है पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है और हम ऐसी गंदी जिंदगी गुजार रहे हैं इधर बड़ी दुख होता है बड़ी तकलीफ़ होती है दिल रोता है और अकेले में रो भी पड़ते हैं कि मेरे मौला रहम कर हमारी मदद फरमा किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय आप भी मदद फरमा गै भी मदद, मदद फरमा बस मैं नहीं बोल सकता जो आपने ये देखा है विजिट किया है और मुलाकात कराऊंगा जो सखर के अंदर सिर्फ सोशल वर्कर भी हैं और खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं वो लोगों की मदद भी गैबान तरीके से करते हैं कोई फ़ोटो सेक्शन नहीं करते आए आप उनके मौक़ जाने अली मुग़ल भाई हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम आशिफ भाई अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि जो इस टाइम नए पेड़ की कितने इलाके विजिट कर कर यार तकरीबन जब से बारिशें हुई हैं मैं क्या बताऊं कि आउट ऑफ सिटी ज़्यादा मतलब सुल्तानपुर इधर उधर और काफ़ी मतलब इलाके विज़िट किए हैं मैंने मैं सखर शहर में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पब्लिसिटी चल रही थी मार्केटिंग लोगों की चल रही थी तो मैं अपने हिसाब से अपने सारा काम करता रहा हूँ तो आज नए पिंड की तरह मुसलसल मुझे दोस्तों की कुछ काले आ रही थी कि यार आओ नए पिंड का बहुत बुरा हाल है क्योंकि नए पिंड पर किसी का फोकस नहीं है और बाकी जो मैंने आज आंखों ते का हाल देखा मेरे अपने आंसू निकल आए कि जो यहाँ पर हाल है जो जिस तरह छः छः फुट पाँच पाँच फुट लोगों के घर में पानी जमा हुआ हुआ है और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे मखसूस तबके को नवाज़ा जा रहा है मखसूस लोग हैं जो मखसूस लोगों को ही आगे सर्वाइव चीज़ें कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं उन तक चीज़ें ये नहीं पहुँच रही हैं ये वही हाल हो रहा है जो कोविड नाइन्टीन में हुआ था कोरोना के दौर में उस दौर में भी ऐसे हुआ था राशन मखसूस तबके को मखसूस लोगों को मिला गया था लोगों ने अपने गोदाम भरे थे जिसकी कल आपने एक वीडियो देखी कि सोशल मीडिया पर कि आर बिल्डर के पास एक गाड़ी पकड़ी गई जो माल बेच रहा था बंदा खेमे वगैरह थे तो भाई खुदारा जो मुस्तक अफराद हैं उन तक ये माल पहुँचाएँ जमाल भाई जैसे सीनियर वर्कर हैं इनका बिल्कुल अभी इनके अल्फाज आपने नोट किया हो होगा ये रो रोने की इनकी आवाज़ है उसकी वजूहत ये है कि हम वो लोग हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के वोट डलवाते हैं कि यार वोट डालो आज लोग हमारे गिरवान पकड़ रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके मेरे अपने इलाके के लोग कई लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि यार अब सारा दिन सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी की वर्क करते रहते हैं तो अब क्या हुआ अब उनको हम क्या बताएँ अपने दिलों के हाल नहीं बता सकते हाए जा रहे हैं बार बार दिखा रहे हैं हम अपने टी वी के से दिखा रहे हैं मैं ख़ुद उस तकलीफ़ के अंदर मुबतला हूँ जो मैं दस दफ़ा कह चुका हूँ आपको और हम भी अल्तजा करते हैं इनके साथ मिल के आवाज़ बने मुस्तक लोगों की मदद करें मैं आसिफ अली अब्बासी एवन टी वी सखर हैरपुर के करीब गोठबिस्तरा में बारिश की पानी की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया कई कच्चे घर गिर गए सिंध हुकूमत की तरफ से ना पानी निकाला गया और ना कोई इमदाद मिली गोड बिस्तर के इलाका मकीनों ने ऐतजाजी मुजहरा किया मजीद जानते हैं ए वन टी वी के नुमाइंदा मोहम्मद मुबीन अंसारी से जी बिल्कुल आज हम गोठ बिस्तरा में मौजूद हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई इमदाद नहीं हुई इस सिलसिले में गाँव वालों ने इलाका मकीनों ने मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया जाजी मुजाहरे में जो मौजूद हैं आय से बात करते हैं जी ये ऐतजाजी मुजाहरा क्यों किया गया है भाई असो किरी सजो सोठ बुझे तो न सासतदान आया वजीरे आला

कोई भी चीज़ नहीं बची है नहीं इधर कोई तंबू है नहीं कोई राशन है खाने के लिए पीने के लिए नहीं बच्चों को निकालने के लिए कोई बेड़ी है सारा तुम देखो नहीं गाँव वो डूब रहा है इसमें कोई आया ही नहीं अभी तक अच्छा तो आप अब किससे अपील करेंगे हम अपील करेंगे राशन जावेदल छाते मुरादल छाते तो कोई तो हमारा मिला करो अभी तक कोई राशन का गद्दा गाड़ा भी नहीं आया है गाड़ी तो दूर की बात है अच्छा जी आप भी यहाँ पर मौजूद हैं तो आप कुछ कहेंगे जी हम यहाँ पर डूब गए हैं बहुत पानी है यहाँ बरसात का जहाँ भी देखो पानी है मगर कोई भी यहाँ बचा नहीं है अभी तक अच्छा तो यहाँ पे इमदाद आपको मिली है यहाँ कुछ भी नहीं मिला बच्चे भूखे बैठे हैं अबुल वहा पे बैठे हैं गवर्नमेंट कहती है कि हम राशन दे रहे हैं टेंट दे रहे हैं तरपाल दे रहे हैं शापरें दे रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिला अभी नहीं भाई अभी तक कुछ भी नहीं मिला जी बिल्कुल ये इलाक़े मकीन के लोग थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे ना कोई इमदाद मिला है ना ही इमदाद पहुँचा है और अभी सिंधु हुकूमत से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती फिर भी ये रोडों पर निकल आए हैं चारों तरफ पानी ही पानी है इनके घर डूब गए हैं पानी में कुछ के घर मिसमार हो चुके हैं कैमरा मैन आमन खान विस्तरों के साथ एवन टी वी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुबीन अंसारी जी दरियाए सिंध में हाई फ्लड कमिश्नर भावरपुर चाचड़ान शरीफ पहुंच गए चीफ इंजीनियर अनहार और डीसी ने ब्रीफिंग दी जिला भर की मशीनरी अलर्ट फ्लड वार्निंग जारी आइंदा तीन दिन में आठ लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान रेले सिंध में मुतव सैलाब के पेश नज़र कमिश्नर भावरपुर राजा जहंगीर अनवर ने चाचड़ान शरीफ का दौरा किया बेनज़ीर बुरज पार कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई चीफ इंजीनियर अनहार खालिद परवेज ने कहा कि इस वक्त दरिया सिंध से पाँच लाख क्यूसिक गुजर रहा है जिसमें अगले तीन दिन में इजाफा होगा और सैलाबी रेला सात और आठ लाख क्यूसिक तक हो सकता है तामे वास्ती और मंचन बंद मजबूत हैं और बंदों की मुसलसल नगरानी की जा रही है एवन टी वी से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टी वी एन टी वी सब पे नजर अंदर की खबर